जहां एक तरफ कोरोना महामारी से पूरे देश जूझ रहा था तो वहीं प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आए लोगों को रोककर क्षेत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा था। लेकिन प्रशासनिक लाल फीताशाही का आलम यह है कि जिन टेंट हाउसों ने प्रशासन व नगर पालिका की मदद करते हुए टेंट सामग्री दी, उन्हें 2.5 महीने बाद भी पूरा टेंट सामान वापस नहीं मिल पाया है। शुक्रवार को टेंट हाउस संचालकों ने अपने सामान नहीं मिलने को लेकर तहसील कार्यालय पहुंच SDM DN सिंह से गुहार लगाई। टेंट हाउस संचालकों में टेंट सामान नहीं मिलने को लेकर इतना रोष है कि उन्होंने नगर पालिका और प्रशासन के रवैये को गैरेजम में दराना तक बता दिया। तो वही टेंट हाउस संचालकों को अभी तक नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा अभी तक क्वारंटाइन सेंटर में दिया गया पूरा सामान अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर टेंट हाउस संचालकों में काफी रोष है। प्रशासन के रवैये से भी टेंट हाउस में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि प्रशासन ने क्वारंटाइन में बाहर से आए लोगों को रोकने के लिए व्यवस्था की थी, जिसमें टेंट हाउस से सामग्री ली थी, लेकिन लंबे समय बाद भी टेंट हाउस संचालकों को भी उनका सामान नहीं मिलने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मामला है ये? 25 मार्च को जो लॉकडाउन लगाया गया सरकार की तरफ से, उस समय से नगर पालिका प्रशासन और प्रशासन की तरफ से टेंट सामग्री हम व्यवस्था की गई थी हमारी तरफ से शहर के सभी क्वारंटाइन सेंटर में, और इसके अलावा नगर में जो टेंट लगे थे वो भी हमारी तरफ से लगे थे। आज दिनांक को 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, बहुत सारी सामग्री हालांकि हमारी आ चुकी है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन ना तो प्रशासन और नगर पालिका दोनों का रवैया बड़ा गहरा जिम्मेदाराना है, और मान लीजिए भविष्य में अगर ये बीमारी फिर से पलट के आती और फिर सरकार को जरूरत पड़ी क्वारंटाइन सेंटर में सामान देने की, तो कौन देगा? जब अभी हमारा ये सामान नहीं दे रहा है ढूंढ ढूंढ के, हम रोज चक्कर लगा रहे हैं नगर पालिका में कि सामान भेज दो। ओ, मैं तो अभी हटाऊं नगर पालिका उपाध्यक्ष से 8 जनवरी को, मेरी जो हालत है दूसरों क्या होगी। और इन्होंने ना जाने कितने टेंट हाउस से सामान इकट्ठा कर लिया, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, किराए की तो बात अब बाद में होगी, पहले हमारा यह है कि हमको हमारा सामान बचाया जाए। रोड पे लगे हुए हमारे टेंट फटे, हमारा नुकसान हुआ, हमारे अभी कई सामग्री बाकी है, लेकिन इनका रवैया जो है बस मैं ज़्यादा हाँ गैर जिम्मेदाराना में कहूँगा कि भैया सामान हमारा वापस आए पहले, उसके बाद हम दूसरे मैटर बात करें। देश में जो कोरोना बीमारी फैली और हमने 2 कदम आगे बढ़कर तन मन धन से सहयोग किया, जब नगर पालिका ने हमसे टेंट का सामान मंगा तो हमने टेंट का सामान दिया, लेकिन आज दिनांक तक वो टेंट का सामान हमारे पास वापस नहीं आया। दूसरी बात कि अवस्थी टेंट हाउस का नगर पालिका से एक एग्रीमेंट था कि नगर पालिका अवस्थी टेंट हाउस से ही सामान मांगेगी, लेकिन उन्होंने विभिन्न टेंट हाउसों को सामान बुलवा के और सब सामान आपस में मिक्स हो गया, कुछ सामान हमारे पास पहुंचा, कुछ सामान हमारे पास नहीं पहुंचा। तो ये नगर पालिका की गलती है कि अगर उसको जो जितने सामान की आवश्यकता थी और हमसे उसका एग्रीमेंट था तो हमसे वो सामान मांगती, वो हमारी जवाबदारी थी कि हम उतना सामान को उनकी व्यवस्था कहाँ से करके देते, लेकिन 10 जगह से सामान बुलाकर सबका सामान मिक्स कर और मैक्सिमम सामान आज तक वापस नहीं आया। तो किराया मिलने की बात तो छोड़ो, हमारा सामान भी वापस नहीं आया।